राम भक्त हनुमान अनेक गुड़िए ना रही जेपरी मारुति नंदन पवन पुत्र और संकट मोचन हनुमान को भगवान शिवंकर एकादश रुद्र अवतार कहुए और जन्म अनेक पौराणिक कथार उल्लेख कर आज कहानी आम हनुमान जन्मकथा विषय कहचु हनुमान जन्मकथा बहुत रोचक अटे से माता अंजनी और बनराज केशरी पुत्र थे कहुए जन्म कौन साधारण संजोग बरंग समस्त देवतागण नक्षत्र और समस्त भगवान आशीर्वाद द्वारा पृथ्वी पापर विनाश करने होता मान्यता अनुसार माता अंजनी को बरदान मिलता कि गर्भर जन्म होगा पुत्र शिवंकर अंश अटे यह व्यतीत आहुरी गोटे मान्यता यह मध्य रही जेतेबेले हनुमान जन्म हेले सेतेबेले रावण घरे मध्य गोटे पुत्र जन्म नहीं संजोग दुनिया में भल और खराबर संतुलन को रखापी कर सत्ययुगर कथा अटे जेतेबेले माता अंजनी गोटे जंगल में बसी पुत्र प्राप्ति पाई भगवान शिव को पूजा करुले से हाथ जोड़ी आखि बंद कर तपस्या लीन थे सेतेबेले आगे थुआ होता गोटे पात्र में एक फल आसी पड़ा माता अंजनी से ही फलटी को प्रसाद भाव देखि सेवन करते अंजनी तपस्या लीन थे से ही समय अयोध्यार राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति पाई जी शिवं यज्ञ करुले यज्ञ पर ऋषि मैंने राजा दशरथ को तीन राणी फल दे खाइबापर से पुत्र लाभ कर फलर गोटे फल को गोटे चढ़े उठाई नहीं उड़गला जहाँ माता अंजनी आगे खसी पड़ा से ही फलटी को माता अंजनी ग्रहण कर हनुमान को जन्म देते